बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड टीचर एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल नबी अहमद और मैं आपके लिए लाता हूं इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत सारी एक्टिविटीज, लॉट ऑफ फन। तो अभी ये देखते हैं हम आज क्या करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड फोर। मैथमेटिक्स ग्रेड फोर में हम करेंगे यूनिट नंबर टू, विच इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 में आपको आज का एसएलओ बताता चलूं कि आज का एसएलओ हमारा है फैक्टराइज नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, के प्राइम फैक्टर्स हम यूज करते हुए किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया एक लेसन प्लान, जिसको फॉलो करके आप बेहतरीन तरीके से इस लेसन को समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्टिविटीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर 1 2 3 4 हमने क्या करने हैं, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं इन तमाम नंबर्स के। ये शीट आप टीचर को कंप्लीट करके दें और फिर आपने ये बताना है कि ये जो 3 है इनमें से इनका कौन सा मल्टीपल है, फिर मल्टीपल ऑफ 8 बताना है, मल्टीपल ऑफ 2 बताना है। ये सब आप बताएंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपको लास्ट एसएलओ समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच टीचर। अभी यहां पे आपने बताना है कि ये इन तमाम चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 1 और 12 को, सॉरी 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है। टीचर जी आप बच्चों को, बच्चों से पूछे, जब बच्चे बताएंगे तो फिर इन्हें बताएं कि बेसिकली ये नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं। ये नंबर फॉर्म कर रहे हैं आपके फैक्टर्स। तो फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने देखा 40 के हम फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं, तो हमने 40 को यहाँ पे रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4 और 0 एज इट इज, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1s are 2 और 10 आ गया, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बना 2³ मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका एक और भी वे है कि 40 आपने लिखा, 2 से डिवाइड किया, 20 बचा, 2 से डिवाइड किया, 10 बचा, 10 को मजीद डिवाइड किया, 2 एंड 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टर ट्री मेथड है। ये दोनों मेथड्स हैं, किस लिए होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए है, याद रखें। इसे फैक्टर मेथड 1 कहा जाता है और दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, और ये मेथड क्या कहलाता है, मेथड 2, फैक्टर ट्री मेथड। तो ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी टीचर इनको डिफरेंट मजीद नंबर दें ताकि ये बच्चे उनके क्या निकालें, बच्चे उनके फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करें उन नंबर्स की। बच्चे, कुछ बच्चे डिवीजन मेथड करेंगे और कुछ बच्चे क्या करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड, फिर आपस में वो मेथड शफल करेंगे। तो जल्दी से टीचर इनको करवाएं ताकि हम इनको ग्रुप एक्टिविटी की तरफ लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच टीचर। अभी बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के सामने एक ट्री आपने दे दिया, अब बच्चों ने क्या करना है, 24 के अब देखें, बच्चों ने 3 एंड 8 लिखा, फिर बच्चों ने क्या लिखा, 3 3 1 3 हो गया, 8 2। अब बच्चे उनके फैक्टर्स जनरेट करना जा रहे हैं। पहले 24 है तो पहले बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने 1 24 कर दिया, फिर बच्चों ने क्या किया, फिर बच्चों ने 2 एंड 12 कर दिया, फिर बच्चों ने क्या किया, फिर बच्चों ने 3 एंड 8 कर दिया, फिर बच्चों ने क्या किया, 4 एंड 6 कर दिया। इस तरीके से बच्चे करेंगे और फिर बाद में बच्चे लिखेंगे। जो बच्चे ये भी वे कर सकते हैं और बच्चों के लिए दूसरा वे ये भी है, 2 12s are 24 2 6s are 12 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बेटा आप करके दिखाएं किसको, टीचर को, जल्दी से टीचर आप इनके लिए नंबर शफल करते रहें, 24 36 48 अपनी मर्जी से कोई नंबर दें, और ये बच्चे इतने फास्ट है कि आपको जो भी नंबर देंगे ये आपको काम करके दिखाएंगे, है ना बच्चों, ऐसा ही है, वेरी गुड। तो बच्चों इंडिविजुअल वर्क में आपके लिए मैं लेके आया हूं, आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने हैं, यहां पे करके दिखाना है टीचर को। ग्रेड 4 में एग्जाम्पल नंबर 29 है, और इसके साथ ही आपने रैप अप में बच्चों ने क्या करना है, 16 के इस मेथड को कहा जाता है डिवीजन मेथड, इस मेथड से पहले आपने करके दिखाना है, फिर 18 को यहाँ पे करके दिखाना है, और फिर ट्री मेथड में आपने क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड में आपने ये 2 एंड 8 16, फिर क्या करेंगे, 2 एंड 4 are 8 2 एंड 2 are 4। ये मैं मिटा रहा हूं ताकि सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इस तरह से टीचर को करके दिखाएंगे और
जब ये आप करके दिखाएंगे तो टीचर खुश हो जाएंगी, क्योंकि आज का ऐसा लो आपको आ गया समझ। तो अब किसकी तरफ जाएंगे, आज के होमवर्क की तरफ जाएंगे। आज के होमवर्क में आपने याद रखना है कि आज एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की, ये आपको 5 नंबर्स गिवन है। 5 के 5 नंबर्स के आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। और साथ आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में ये आपके सामने 27, 81, 72 और 162 गिवन है। तो आपने क्या करना है, 3, 9, 27। अब 9 देखेंगे, 3, 3, 9, 3, 1, 3, इस तरह इसके फैक्टर्स करेंगे। आप इसके साथ इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 27 तो 3, 9, 27, 3, 3, 9 एंड 3, 1, 3। तो अब आप क्या लिखेंगे, 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, इसको 3³ भी लिख सकते हैं, वरना ये भी आपका आंसर ठीक है। तो वेरी गुड बच्चों, आप इसी तरह हमें फॉलो करते रहें, आप हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, हमारी एक्टिविटीज को घर से बना के आप टीचर को ला के दिखाते हैं, इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। तो याद रखें कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेसन प्लान और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क। आप लोगों की लाइकिंग, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमें इस काबिल करती है कि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेसन।